नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम शून्य से घटाव करना सीखेंगे। एक दिन गैफी अपने दोस्तों के संग घूमने जा रही थी। रास्ते में उसने बहुत सारे फलों के पेड़ देखे। तभी सनी ने इशारा करते हुए कहा कि गैफी, देखो इस पेड़ पर कितने सारे आम हैं। हाँ सनी, इस पेड़ पर तो 45 आम हैं। चलो इनको तोड़ते हैं। छोटा होने की वजह से सनी आम नहीं तोड़ पाई। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं पेड़ पर अब कितने आम हैं? बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, पेड़ पर अभी भी 45 आम हैं, क्योंकि सनी एक भी आम नहीं तोड़ पाई, यानी सनी ने शून्य आम तोड़े। जब हम किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो उसका उत्तर शून्य में घटाई हुई संख्या के बराबर ही होती है। 50 घटाव शून्य होता है 50। चलो अब हम इसे लिख कर समझते हैं। पेड़ पर 45 आम थे, सनी ने शून्य आम तोड़े, यानी हम 45 में से शून्य को घटाएंगे। 45 घटाव शून्य होता है 45। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर एक दुकान में 37 लड्डू हैं और शून्य लड्डू रामू ने ले लिए, तो अब दुकान में कितने लड्डू हैं? बिल्कुल सही, 37। जैसा हमने अभी देखा, जब हम किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो उसका उत्तर शून्य में घटाई हुई संख्या के बराबर ही होता है, यानी 37 में से शून्य घटाएं तो बचे 37। बच्चों, अब आपकी बारी है इस मजेदार पहेली का हल ढूंढने की। अप्पू के पास 48 केक थे, उसने शून्य केक खाए, उसके पास कितने केक बचे हैं? अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना उत्तर साझा करें। इस वीडियो में हमने 50 तक किसी भी संख्या के साथ शून्य घटाना सीखा।